वैसे तो गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में है, लेकिन इस उत्सव को खास तरह से मनाया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो रुक करते हैं हमारे संवाददाता पारस दामा का, जो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। पारस, गणेश चतुर्थी का दिन मुंबई में बहुत खास होता है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज वहां पर माहौल कैसा है, उत्सव की धूम किस तरह से देखने को मिल रही है? जी पहले आप दोनों को ही गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल जो है मुंबई समेत महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर अलग उत्साह होता है गणपति के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग जो हैं अपने भगवान को जो है वो तैयार करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है उनका स्वागत करते हैं। हर साल इसी तरह जो है वो गणपति बापा को लाने का जो है वो चीजें चलती हैं, मगर पिछले 2-2.5 साल से लगातार कोविड था, कोविड की वजह से पाबंदियां थी, और इस पाबंदियों की वजह से जो है वो भगवान का स्वागत जो है पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, पूरे तरीके से स्वागत नहीं हो पा रहा था, तैयारियां नहीं हो पा रही थी, लोग दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे। मगर अब जो है माहौल यहां का आप देखिए, मैं मुंबई के लालबाग के राजा पे हूं, बेहद ही प्रसिद्ध जो है वो गणपति मंडल है यहां पे। पिछले 89 साल से जो है लगातार यहां पे गणेश जी की स्थापना होती है, और यहां पे ऐसे ही लोग श्रद्धालु जो है वो भारत के कोने कोने से, मुंबई के कोने कोने से यहां पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन लेते हैं। लालबाग का राजा आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो भगवान जी को सजाया गया है। साथ ही साथ हर साल यहाँ पर डेकोरेशन भी अलग अलग तरीके से करा जाता है, जिसमें कोई चीज जो है वो बेहद ही संवेदनशील होती है, साथ ही साथ जो है बेहद ही अलग तरीके से जो है डेकोरेशन किया जाता है। इस बार जो है वो राम मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, जिससे भगवान की सुंदरता जो है वो और ज्यादा निखर के सामने आ रही है। इसी तरीके की मूर्ति हर साल होती है, और डेकोरेशन सिर्फ अलग होता है। और मेरे आसपास की अगर आप भीड़ देख सकें तो ये इतनी ही भीड़ जो है आज से 2-2.5 साल पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले रहती थी, यहाँ पर पैर रखना तक मुश्किल हो जाता था। ऐसे में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। यहां पर एक मान्यता है कि यहां पर जो भी दर्शन करने आता है उनकी बहुत सारी मन्नतें पूरी होती हैं, तो मन्नत के लिए भी लोग यहां पहुंचते हैं, अलग अलग किस्म की मन्नतें रखते हैं, अलग अलग चीजें जब मन्नतें पूरी होती हैं तो यहां पहुंचते हैं, और लंबी लंबी कतारें आपको दिखेंगे। और जैसे ही दिन और चढ़ता जाएगा, दिन और बढ़ता जाएगा, यहां पर लोग लगातार पहुंचते जाएंगे, और लोग जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे यहां भीड़ भी बढ़ती जाएगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यहां की यह है कि कुछ दिन पहले जो है मुंबई में टेरर अटैक की धमकी दी गई थी, 26/11 के हमलों की धमकी दी गई थी, वैसे ही हमले करेंगे। बट उसके बाद मुंबई पुलिस बेहद ही चौकन्नी है, और पूरे जितने भी गणेश मंडल है मुंबई में उन सारी जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का जो है पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं इस साल जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो उत्साह बेहद ही ज्यादा है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद गणेश चतुर्थी मनाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का बहुत ही ज्यादा महत्व है मुंबई समेत महाराष्ट्र में, लोग अपने घर पे जो है वो गणेश जी को लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे में उत्साह आप देख सकते हैं सिर्फ हर जगह आपको गणपति बाप्पा मोरया उत्साह देखा जा सकता है। ठीक 2 साल के बाद जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है मुंबई से, ये सीधी तस्वीरें पारस हमें दिखा रहे हैं। पारस लौटती हूँ आपके पास, श्वेता जुड़ गई है। श्वेता, गणपति बाप्पा मोरया, आप बहुत ही सुंदर इस वक्त लग रही हैं। तो ये माना जाए कि मंगल मूर्ति के आगमन के साथ सबके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ दृश्य इस वक्त दिखा सकती हैं? बिल्कुल अदिति, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं और आपके साथ एक बार जय घोष भी करना चाहूंगी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अभी अभी यहाँ पर गणपति बप्पा की स्थापना हुई है, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है। इस वक्त मैं नोएडा में गौर सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरे सोसाइटी के लोग इस वक्त मौजूद हैं और विधि विधान से गणपति यानी कि विघ्नहर्ता गणेश की स्थापना की जा रही है, बाकायदा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। और गणपति को इसी कामना से यहाँ पर स्थापित किया गया है कि गणपति सभी के विघ्न हरेंगे, इनका नाम ही विघ्नहर्ता है, यानी कि हर किसी के विघ्न को हरने वाला। और इसी के साथ आप देखिए कलश स्थापना भी हो चुकी है, नीचे कलश स्थापना की गई है, अगले 10 दिन तक गणपति की यहाँ पर सेवा की जाएगी, पूरे विधि विधान से यहाँ पर सुबह और शाम आरती की जाएगी, और जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें अभी हमारे दर्शक देख रहे थे, हालांकि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को एक अलग ही ढंग से मनाया जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहां भी आप पूरे विधि विधान के साथ देखेंगे गणपति की स्थापना की गई है, मूर्ति की बकायदा
गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज आपको यहाँ भी सुनाई देगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, यही धुन यहाँ भी आपको सुनाई देगा। आपको हम बता दें कि यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम महाराष्ट्र में नहीं है। हालांकि नॉर्थ इंडिया जो है वहां पर हर जगह दही हांडी की भी शुरुआत आजकल हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से दही हांडी की पूजा, दही हांडी की जाती है, गणपति बिठाया जाता है बकायदा, कई लोग शगुफ्ता, आप मुंबई से वहां रह चुकी हैं, मुंबई में आपने देखा होगा कई लोग जो व्यस्त होते हैं अपने ऑफिस के लिए बिजी रहते हैं तो एक दिन, डेढ़ दिन या दो दिन के भी गणपति अपने घर में लेकिन जरूर बिठाते हैं। कुछ उसी तरह की परंपरा यहाँ भी चल पड़ी है। हम दिल्ली नोएडा एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लोग सोसाइटी में आजकल जरूर इस तरह से स्थापना करते हैं और बहुत लोग जो अगर घरों में भी कोशिश करते हैं कि वो समय निकाले और गणपति को कुछ इसी तरह से उनका विराजमान उनको किया जाता है और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। श्वेता, आप जहां पर हैं वहां पर काफी लोग जो हैं इस वक्त भी गणपति की सेवा में लगे हुए हैं, पर एक बात जो शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहते हो, अगर आपको उसके बारे में पता है, तो जब गणपति को घर में बिठाया जाता है विसर्जन से पहले तो क्या कुछ किया जाता है पूजा अर्चना में? देखिए, गणपति या फिर किसी भी भगवान की जो स्थापना होती है बकायदा उसके लिए पंडित को आप बुलाते हैं और बकायदा मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध किया जाता है। पहले सिद्ध करने के बाद भी उसके बाद उनको बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है और जब तक गणपति आपके घर में रहते हैं तब तक आपको सुबह और शाम बकायदा पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी होती है। घर में कोई भी अन्न बनता है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही परिवार के कोई भी लोग उस अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पूरा विधि और विधान जो होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप गणपति घर पे बिठाते हैं। देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और सोसाइटी के कई लोग सबसे पहले जय घोष हो जाए गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए इस तरफ जरा आइए, देखिए, और मोरिया रे बप्पा मोरिया की गूंज यहाँ सुनाई दे रही है। ये बताइए, सोसाइटी में कब से पूजा हो रही है? सोसाइटी में लास्ट ईयर से हमारे यहाँ पे गणपति बप्पा आ रहे हैं और इस साल भी आए हैं और हमारी सोसाइटी में जब से आ रहे हैं बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आ रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही 14th एवेन्यू सोसाइटी है। आप महाराष्ट्र से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन आपको जरा भी यहाँ लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये महाराष्ट्र का कोई शहर ना हो। देखिए, शहर हो कोई भी हो कुछ नहीं है, बप्पा सबके हैं और सब जगह के हैं और हम बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बप्पा को लेकर आए हैं। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब से बप्पा यहाँ आए हैं ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी जो है वो भर गई है। और वैसे भी गुड न्यूज टुडे पर हम हैं जहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव और अच्छी खबरें लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं, तो ढेर सारी पॉजिटिविटी यहाँ से भी हम भेज रहे हैं अपने दर्शकों को और यही उम्मीद करेंगे कि हर किसी के विघ्न को बप्पा हरे। जी श्वेता, मैं लौटती हूँ आपके पास, वापस रुक करते हैं मुंबई का जहाँ पर पारस मौजूद हैं। पारस, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में मुंबई में हम खास तौर पर देखते हैं कि जिस भी पंडाल में गणपति को लाया जाता है हर पंडाल में कई बार थीम रखा जाता है, तो आप मौजूद हैं लालबागचा राजा के उस पंडाल में, तो इस पंडाल की भव्यता देखते ही बनती है, इस पंडाल की कुछ खासियत बताइए, क्योंकि मूर्ति का आकार वैसे ही रहता है, लालबागचा राजा को वैसे ही रखा जाता है लेकिन पीछे वाली डेकोरेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इस बार क्या कुछ खास किया गया है? जी बिल्कुल, 89 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे गणेश स्थापना को, लगातार हर साल बड़ी श्रद्धा से और सारे नियमों के साथ यहाँ पर गणपति की स्थापना की जाती है। गणपति की स्थापना होती है, पूजा अर्चना होती है, सारी चीजें होती हैं, बट मूर्ति जो होती है वो हर साल एक जैसी ही बनाई जाती है। जब इस यहाँ पर पंडाल पर शुरुआत की गई थी, जब पहला गणपति था, तो उस समय जो मूर्ति है वो अभी तक चली आ रही है, उसी तरीके से मूर्ति जो है वो बनाई जाती है और यहीं पर जहाँ पर उनकी स्थापना की गई है वहीं पर पूरी मूर्ति को डिजाइन किया जाता है और वहीं बनाया जाता है। मगर हर साल जो है यहाँ का डेकोरेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, हर एक टॉपिक को बेहद ही संजीदगी से समझने के बाद जो है वो तैयारी की जाती है। इस साल जो है राम मंदिर की नींव रखी गई थी, हम सबको पता है कितना भव्य त्यौहार था और ये भी मुंबई में भी, मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी गणेश जो चतुर्थी होती है वो भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसी की वजह से जो है यहाँ पर राम मंदिर टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है और उसी के अंदर जो है गणेश जी की स्थापना की गई है। तो
इस साल जो है वो यहाँ पर राम मंदिर का स्ट्रक्चर बाहर से बनाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग लगाई गई है, मंदिर के अंदर जिस तरीके से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, और यही डेकोरेशन जो है वो इस साल लालबाग के राजा पे की गई है। बाकी बहुत सारे ऐसे मंडल हैं मुंबई में जो अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वो डेकोरेशन करते हैं, मगर लालबाग के राजा की डेकोरेशन हर साल अलग रहती है। यही डेकोरेशन जो है वो इसको और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। बापा की मूर्ति तो बेहद सुंदर है, मगर जिस तरीके से डेकोरेशन किया जाता है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है लालबाग के राजा को। पारस, ये बताइए, मुंबई में हमने सिर्फ आम लोगों को ही जो है गणेश जी की पूजा अर्चना करते और इस उत्सव में भाग लेते नहीं देखा, बल्कि बहुत सारे फिल्मी सितारे, बॉलीवुड स्टार्स भी जो हैं इसमें शिरकत करते हैं। तो बताइए, कोई सेलिब्रिटी स्पॉटिंग इस वक्त हुई है? हमने दो दिन पहले देखा था कि शिल्पा शेट्टी खुद तो नहीं आ पाई, और वो खुद भी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, पर उनके हस्बैंड जो हैं राज कुंद्रा, वो लाल बादशाह से गणेश जी की मूर्ति अपने घर लेकर गए थे। तो बताइए, आज कोई सेलिब्रिटी स्पॉटिंग हुई है क्या? जी बिल्कुल, लालबाग के राजा पे आप लगातार देखेंगे कि यहाँ पर सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, बाकी के लोग हो, वो यहाँ पहुँचते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि लालबाग का महत्व बहुत अलग है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं और लोगों की मन्नतें जरूर पूरी होती हैं, तो ये जो महत्व है वो सबसे ज्यादा जो है वो लालबाग के राजा को अलग बनाता है सारे गणपति मंडलों पर। यहाँ पे लगातार लोग पहुँचते हैं, सेलिब्रिटीज पहुँचते हैं। आज सुबह भी कार्तिक आर्यन जो है वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ से निकले। बाकी के लोग जो हैं पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, तो लगातार इन 10 दिनों में लोग यहाँ आते रहेंगे, बापा के दर्शन जो है वो करने के लिए यहाँ पहुँचते रहेंगे, क्योंकि यहाँ की श्रद्धा अलग है। यहाँ पे लोग जो है वो बहुत प्यार लेके आते हैं, अपनी आंखों में बहुत ज्यादा। जी पारस और श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी डिटेल के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए। और देखिए, पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश को घरों में विराजमान किया गया है। मुंबई में गणपति उत्सव के रंग देखते ही बनते हैं। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में हर साल की तरह फिर से एक बार गणेश उत्सव की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, और पूरे जोरों शोरों से। इस वक्त ये जो मिरवणूक आप देख रहे हैं ये बीजेपी नेता विनोद तावड़े का है। यहाँ पर उनके पालकी पे जो गणपति है वो देख सकते हैं, इको फ्रेंडली गणपति जो है वो इस साल लाया गया है, और 2011 से ये उनके घर पर गणपति लाया जा रहा है। पूरे 10 से 11 दिन आप मुंबई में, महाराष्ट्र में, खासकर कोंकण इलाके में देखेंगे कि जोरों शोरों से ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा, और इससे जुड़ी जो सारी चीजें हैं वो उत्सव की तरह सेलिब्रेट की जाएगी। बड़ी बात यह है कि 2 साल के बाद कोविड के रिस्ट्रिक्शन हटने से जो नॉर्म्स आप कह सकते हैं पहले जैसे हो गए हैं, इसके लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि पीछे आप देखेंगे तो ढोल ताशे हैं, आगे पालकी है, उसके आगे भी नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो ये पूरा एक तरह से सांस्कृतिक रीति रिवाज से जिस तरह से पहले गणपति बापा का स्वागत किया जाता था, इसी तरह इस साल से हर जगह आपको ये जो आप कह सकते हैं शुरुआत है वो देखने को मिल रही है। विनोद तावड़े जी से आप बात करते हैं। सर, 2011 से गणपति लाया जा रहा है, इस बार इको फ्रेंडली गांव में गणपति, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा लोगों को बताइए। ऐसा कि हमारे हर त्यौहार जो है वो प्रदूषण बढ़ाने वाले ना हो तो वो पर्यावरण के लिए पूरक हो, तो मैंने ये सोचा, हमारे परिवार ने ये सोचा कि हम ऐसी मूर्ति की स्थापना करें कि जिस मूर्ति के कारण कहीं पर भी हमारे पर्यावरण को धोखा ना पहुंचे। ये गोमय मूर्ति है जो गोबर से और खेत की मिट्टी से बनती है, और विसर्जन के बाद ये मिट्टी फिर हम पौधों में देते हैं, और बाप्पा के आशीर्वाद उस पौधों के द्वारा हम सब पर बरसते रहते हैं। इस साल क्या प्रार्थना रहेगी बाप्पा से? प्रार्थना बाप्पा के लिए यही है कि राष्ट्र महाराष्ट्र को सुखी रखो, उसकी प्रगति करो। तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक बार फिर से जोरों शोरों से गणपति बाप्पा का जो वेलकम है वो किया जा रहा है। आज के दिन आगमन है, आरती की जानी है, 10 दिन तक गणपति त्यौहार जो अलग अलग जगहों पर मुंबई में ऐसे ही मनाया जाएगा, और उत्साह जो लोगों में देखने के मिल रहा है वो एक तरह से 2 साल बाद बड़ा उत्साह है।
और देखिए 10 दिन तक चलेगा ये महोत्सव। इस महोत्सव के लिए लोग गणपति की मूर्तियों को पूरे विधि विधान के साथ अपने घर पर लेकर आते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तमाम तरह की मान्यताएं इनके साथ जुड़ी हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश की पूजा करने से अगर आपकी मनोकामना कोई है तो वो पूर्ण हो जाती है। आखिरकार खत्म हुआ बापा के घर पधारने का इंतजार। घर में प्रवेश करेंगे प्रथम पूज्य गणेश, सारे कष्टों का होगा अंत, कृपा बरसाएंगे स्वयं एक दंत। बापा के पंडाल सजाए जा रहे हैं, भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ गणपति को घर लाने की तैयारी में है। विघ्नहर्ता के वेलकम में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए एक एक बात का ध्यान रखा गया है। पूरे 2 साल के बाद कोरोना को मात देकर बापा भक्तों के घर पधारेंगे, इसके लिए देश भर में मूर्तिकारों ने गणपति के अलग अलग रूपों को खास तौर पर तैयार किया है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम देखते ही बनती है। नागपुर का चितार ओली परिसर गणपति बापा की मूर्तियों के लिए मशहूर है। यहाँ मूर्तिकार गणपति को तरह तरह के आकारों में उभारते हैं। ये बाजार पिछले कई दिनों से विघ्नहर्ता की आकर्षक मूर्ति से सजा है। बापा के साथ साथ बापा की सवारी यानी मूषक राज के भी अनेक रूप बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। प्रभु के प्रिय भोग मोदक के साथ मूषक, ढोल नगाड़े बजाते हुए बापा के आगमन की खुशखबरी देते मूषक, साक्षरता का मैसेज देते मूषक, यानी गणपति सवारी का हर रूप बाजार में है मौजूद। लेकिन इस बार पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए इस साल नागपुर के बाजार में गणपति बापा की मेटल की मूर्तियों की मांग अचानक बढ़ गई है। खास बात यह है कि मेटल की इस मूर्ति को विसर्जित करने की जरूरत नहीं होती, साथ ही साल भर लोग अपने घर में इसकी पूजा कर सकते हैं। देश के कोने कोने में गणपति उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अलग अलग जगहों पे गणपति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आपको दिखाते हैं कहां कहां किस तरह के गणपति देखने को मिले। गणपति की भव्य प्रतिमा वडोदरा में गणेश उत्सव की बरसों पुरानी परंपरा की कहानी बयां कर रही है। माथे पर शानदार मुकुट, बदन पर आभूषण और हाथ में मोदक से सजी इस प्रतिमा का दीदार करने के लिए लोग आतुर रहते हैं। बताया जाता है कि इस प्रतिमा का डिजाइन पहली बार 1949 में काशी के पंडितों से चर्चा के बाद तैयार किया गया था। तब से अब तक वडोदरा के कलाकार परिवार के लोग मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मूर्ति का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू किया जाता है और इस काम को पूरा करने में 1 महीना लग जाता है। मेरे पिताजी ने 39 से यानी 87 तक 1987 तक उन्होंने बनाई। वो गुजरने के बाद हम 3 भाई लाल सिंह, मान सिंह, प्रदीप और मंगेश चव्हाण, ये चारों जन ने हमने ये गणेश की मूर्ति बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं गणपति के बाल रूप। गणेशोत्सव के अवसर पर वडोदरा में कलाकारों ने भगवान गणेश के बाल रूप की अलग अलग छवियों को प्रतिमाओं में उकेरा है। ये प्रतिमाएं बच्चों को खास तौर से लुभा रही हैं। स्वरूप तो बहुत सारे बनाए हमने गणपति जी के, जैसे में बाल स्वरूप में और खेलते हुए कमल पे उगते बैठे और फिर मटके पे उगते बैठे और चांद पे बैठे, फिर हिचके में बैठे, बहुत सारे बनाए डिमांड। और बहुत से ज्यादा लोग बच्चे को लेके आते हैं इधर और बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बाल स्वरूप में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोर पंख लगाए कान्हा के स्वरूप में गणपति की प्रतिमाएं बनाई गई जो काफी डिमांड में है। इसके अलावा मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा जैसी मूर्तियों की यहाँ काफी मांग है। यहाँ कलाकार 150 से ज्यादा रूपों में गणपति की प्रतिमाएं बना रहे हैं। कोशिश ये है कि सभी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली बने ताकि त्योहार के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। डिजाइन की बात, डिजाइन हमें खुद नहीं मालूम हमारे घर में कितने डिजाइन है। दिवनायक लालबाग का राजा हो गया है, दगुड़ सेठ हो गए हैं, बांसुरी रूप में कृष्ण जी रूप में कृष्ण जी हो गए हैं और अनेक रूप हैं जो अच्छे हैं। लाला है, लाला चौकड़ी है, सावरिया सेठ के रूप में है, ये सब मूर्ति बन रही हैं।
झांसी में महिलाओं के लिए एक समूह ने इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां बनाने की नई मिसाल पेश की है। इन मूर्तियों को काली मिट्टी के अलावा पंचगव्य से यानी सिर्फ गाय से ही उत्पन्न होने वाली सामग्रियों से बनाया जा रहा है। गाय के गोबर, दूध, घी, गोमूत्र और दही के इस्तेमाल से बनी मूर्तियों की मांग देश भर में हो रही है। पंचगव्य इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट थिंग जो हम यूज करते हैं, जो इको फ्रेंडली भी रहता है और पूजा के हिसाब से भी वो बिल्कुल सही चीज रहती है। तो ये जब हम मूर्ति ना घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, जैसे एक पानी की बाल्टी ली और इसके अंदर विसर्जन हमारे आखिर में हो गया और हमें रिवर पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके देश के कोने कोने में भरपूर श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह अलग अलग रंग रूप गणपति कला और संस्कृति की विविधता को पेश कर रहे हैं, कलाकारों के हुनर की नुमाइश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।